नमस्कार। आज के समाचार। बरसी पर 5100 रुपए की सहयोग राशि। किसान आंदोलन को भेंट कर शुरू की नई परंपरा। गांव पिलशिया के किसान हरजीवन सिंह ने अपने पिता की बरसी पर किसान आंदोलन के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि भेंट कर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। अज एक निवेदनी प्रथा शुरू करते हुए भाई हरजीवन सिंह ने अपने पिता जी की बरसी के मौके पर दूसरे अडंबर करने की बजाय जिहड़ा किसानों का संघर्ष चल रहा है किसान यूनियन वास्ते 5100 रुपये अपनी नेक कमाई के दान दे के एक परथा पाई है ताकि असी जो आने वाले समय से वाधू खर्चे करने की बजाय एक चंगे समाज की सृजना वाल जिते सू जरूरत होंगी है उत्थे वो दान किया जाए वो दान ज़्यादा वधिया होंगे। धन्यवाद। कलोठा में 2 दिवसीय मेला 8 से। गांव कलोठा स्थित पीर बाबा फाजिल शाह की मजार पर वार्षिक 2 दिवसीय मेला 8 व 9 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कमेटी के प्रधान भजन लाल, उप प्रधान धोलू मजोका, महेंद्र सिंह चहल, बलविंदर गुल्ली, बलवीर मजोका, बलवीर भीम कंबोज, बनवारी लाल व सुशील ने बताया कि 2 दिवसीय मेले के दौरान अनेक गायक कलाकारों द्वारा पीर की महिमा का गुणगान किया जाएगा। 9 अगस्त को ओपन कबड्डी टूर्नामेंट भी करवाया जाएगा जिसमें हरियाणा व पंजाब की अनेक टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को 41,000 रुपये व उपविजेता टीम को 31,000 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। केवल मेहता बने सीएम, विंडो एग्रीवेंस कमेमी नेट सिटीजन सदस्य। भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष केवल मेहता को सीएम विंडो एग्रीवेंस कमेटी का इमीनेट सिटीजन सदस्य बनाया गया है। केवल मेहता ने अपनी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल, रतिया विधायक लक्ष्मण नापा, फतेहाबाद विधायक चौधरी दूड़ाराम, सार्वजनिक उपक्रम चेयरमैन सुभाष बराला, जिला प्रभारी जगदीश चोपड़ा व जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह गुरुहा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसको वे निष्ठापूर्वक व पूरी जिम्मेवारी से निभाएंगे। केवल मेहता ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को आने वाली दिक्कतों व समस्याओं को दूर करने का हर यथा संभव प्रयास किया जाएगा। किसान संसद में भाग लेने के लिए रतिया से किसानों का जत्था हुआ रवाना। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा का आज 13वां 3 सदस्यीय जत्था किसान संसद में भाग लेने के लिए गुरुद्वारा श्री अजीत सर साहिब से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में ढाणी सुंदरनगर के सतविंदर सिंह, नछत्र सिंह रतिया एवं हरबंस सिंह मानकपुर शामिल हुए।